स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या है 4। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? तो मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? ऑप्शन ए राजा, बी हुसैन, सी आरा, डी रविन्द्रनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हुसैन ने मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र बनाए हैं, यानी MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं। तो राजा रवि वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए संगीतज्ञ के रूप में, बी चित्रकार के रूप में, सी मूर्तिकार के रूप में, डी छापाकार के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चित्रकार के रूप में राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, वह प्रसिद्ध साइंड आर्टिस्ट जिन्हें वर्ष 2014 में भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। तो वह कौन सा कलाकार है, साइंड आर्टिस्ट है, जिसे 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक उड़ीसा, बी बद्रीनाथ आर्य उत्तर प्रदेश, सी KP सक्सेना उत्तर प्रदेश, डी रामेश्वर ब्रोटा दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुदर्शन पटनायक हैं जिन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भारत के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। ऑप्शन ए मंदिर पूजा एक तारा के साथ, बी देवकला, सी पहाड़ी दृश्य, डी बाउल यानी साधु। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी साधु बाउल नामक जो चित्र है यह यामिनी राय का है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर पुरी, बी सूर्य मंदिर कोणार्क, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में जो है वह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोरवाट कंबोडिया में जो स्थित है, अंकोरवाट मंदिर है, वह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है तिरुचिरापल्ली में जो स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एचिंग के लिए किस अम्ल एसिड का प्रयोग होता है? तो एचिंग के लिए किस अम्ल यानी एसिड का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड, डी टर्टरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग एचिंग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक हैं। तो प्रसिद्ध फिल्म लगान मूवी जो है उसके निर्देशक कौन हैं? ऑप्शन ए आमिर खान, बी केतन मेहता, सी यश चोपड़ा, डी आशुतोष गोवारिकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आशुतोष गोवारिकर जो है यह लगान फिल्म के निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस को, बी यामिनी राय को, सी MF हुसैन को, डी राजा रवि वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम है। यामिनी राय की जो कृति है यानी रचना है, पेंटिंग है, बलराम और कृष्ण, कृष्ण और बलराम का माध्यम क्या है? ऑप्शन ए कार्डबोर्ड पर टेम्परा, बी कपड़े पर टेम्परा, सी कैनवास पर तैल, डी बोर्ड पर गुआस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कपड़े पर टेम्परा माध्यम से बनाई गई है यह पेंटिंग। कृष्ण और बलराम नामक जो पेंटिंग है वह यामिनी राय द्वारा कपड़े पर टेम्परा माध्यम से बनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पॉटरी के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकार हैं। पॉटरी के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकार कौन से हैं, कौन कौन हैं? ऑप्शन ए गुरुचरण सिंह, बी निर्मला पटवर्धन, सी ईरा चौधरी, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो हैं यह पॉटरी कलाकार के ख्यातिनाम चित्रकार हैं यानी कलाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11,
सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया है? ऑप्शन ए 1990 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 2011 में, डी 2002 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1999 में सतीश गुजराल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जल रंग के अंतर्गत वास पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? तो जल रंग के अंतर्गत वास पद्धति जो आती है वह जापान से किस सदी में भारत आई? ऑप्शन ए 20वीं सदी, बी 19वीं सदी, सी 18वीं सदी, डी 17वीं सदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 20वीं सदी में जल रंग के अंतर्गत वास पद्धति जो आती है वह जापान से भारत आई 20वीं सदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 20वीं सदी। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? ऑप्शन ए रेनवार, बी देगा, सी हेनरी मातिस, डी पिकासो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हेनरी मातिस का यह चित्र है। हरी पट्टी नामक जो कलाकृति है इसके चित्रकार हैं हेनरी मातिस। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार वी आर खजूरिया संबंधित हैं। तो वी आर खजूरिया जो हैं वह कहाँ से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भोपाल से, बी चंडीगढ़ से, सी जम्मू से, डी नई दिल्ली से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी आर खजूरिया जो हैं वह जम्मू से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जम्मू। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन नामक जो कृति है वह किस की है? ऑप्शन ए रेनवार, बी देगा, सी माइकल एंजिलो, डी सेजान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी माइकल एंजिलो की यह रचना है, यह कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तीन मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए बोनार, बी गोया, सी टर्नर, डी एडवर्ड मुंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोया की प्रसिद्ध रचना है तीन मई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीद कर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार हैं? ऑप्शन ए जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, बी शेरगिल यानी अमृता शेरगिल, सी यामिनी रॉय, डी जॉर्ज कीट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी की पेंटिंग है मीरा का मेवाड़ त्याग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी में जिसका निर्माण किसने करवाया है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसे 1250 ईस्वी में बनाया गया है परंतु इसका निर्माण किसने करवाया है? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी प्रथम कृष्ण यानी कृष्ण प्रथम, सी नरसिंह देव प्रथम, डी नरसिंह वर्मन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है 1250 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट है। तो निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट है तो वह कौन है? ऑप्शन ए रेणुका, बी सुरेखा, सी रीमा, डी प्रतिभा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुरेखा नामक जो आर्टिस्ट हैं वह एक वीडियो आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेखा। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं। तो कंपनी शैली में अधिकांश चित्र किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए लघु चित्र, बी छवि चित्र, सी भित्ति चित्र, डी पोथी चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कंपनी शैली में अधिकांश लघु चित्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया है? मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज नामक जो चित्र है उसे किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए गोवर्धन, बी मोहम्मद नादिर, सी मनोहर, डी मंसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मंसूर द्वारा बाज पक्षी चित्र बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है, तो पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? ऑप्शन ए है गुलेर, बी है कांगड़ा, सी है चंबा, डी है बसोली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बसोली शैली जो है वह पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसोली। अगला प्रश्न है, बसोली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो बसोली शैली में जो रागमाला के चित्र बनाए गए हैं वह अधिकांश कहाँ सुरक्षित हैं? ऑप्शन ए भारत कला भवन वाराणसी, बी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, सी लखनऊ संग्रहालय लखनऊ, डी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित हैं बसोली शैली के रागमाला चित्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने हैं? तो नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने हैं? ऑप्शन ए कांगड़ा शैली में, बी बूंदी शैली में, सी बसोली शैली में, डी अजंता शैली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कांगड़ा शैली में नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, बी नायिका भेद, सी रागमाला, डी व्यक्ति चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रागमाला जो चित्र है वह राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रागमाला। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? ऑप्शन ए लाल, बी पीले, सी नीले, डी सुनहरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सुनहरे रंग की अधिकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, छठी सती में सित्तनवासल गुफा में निर्मित पांच जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? ऑप्शन ए पाल शैली, बी अजंता शैली, सी राजपूत शैली, डी जैन शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जैन शैली का। अगला प्रश्न है, यूनानी कला में अंधकार युग था, यूनानी कला में अंधकार युग कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक, बी 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, डी 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक का जो समय था वह यूनानी कला का अंधकार युग था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र था, तो प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए ग्रीस, बी एथेंस, सी बेबीलोन, डी वेनिस। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एथेंस जो है वह प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेंस। अगला प्रश्न है, मिस्र कला विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है, मिस्र की कौन सी कला है, यानी कौन सी कृति है जो विश्व की प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑप्शन ए नेफरतीति की मूर्ति, बी फराओ की मूर्ति, सी अमरना की से प्राप्त मूर्ति, डी अखनातेन की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेफरतीति की मूर्ति जो है मिस्र की कला की विश्व प्रसिद्ध यानी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफरतीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप हैं, ऑप्शन ए सिंध के मीरपुर खान का स्तूप, बी सारनाथ का धमेक स्तूप, सी रत्नागिरी उड़ीसा का स्तूप, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी जो हैं वह गुप्तकालीन स्तूप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32,
गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन ए पटना संग्रहालय, बी लाहौर संग्रहालय, सी भारत कला भवन, डी कराची संग्रहालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पटना संग्रहालय में गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की मूर्ति सुरक्षित है। तो पटना संग्रहालय में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना संग्रहालय। ऑप्शन ए सही होगा, पटना संग्रहालय। अगला प्रश्न है गांधार कला गुप्तकालीन कला, शुंगकालीन, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन। ऑप्शन एक बार फिर से देखेंगे, ऑप्शन ए है कुषाणकालीन, बी शुंगकालीन, सी मौर्यकालीन, डी गुप्तकालीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कुषाणकालीन कला है गांधार की कला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाणकालीन। अगला प्रश्न है पी आर पोचकानवाला, पी आर पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? तो पी आर पोचकानवाला का फ्लाइट नामक जो शीर्षक मूर्ति है, मूर्तिशिल्प है, वह किस माध्यम में बना है? ऑप्शन ए इस्पात, बी कांस्य, सी संगमरमर, डी एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एल्यूमिनियम माध्यम में बना है। तो इसका ऑप्शन होगा सही आंसर होगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है मथुरा कला का स्वर्ण युग था, तो मथुरा कला का स्वर्ण युग कौन सा था? ऑप्शन ए कनिष्क काल में, बी विस्क काल में, सी वासुदेव काल में, डी चंद्रगुप्त काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कनिष्क काल में मथुरा कला का स्वर्ण युग था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क काल। अगला प्रश्न है आदिम कला, आदिम कला ऑप्शन ए अलंकरण कला, बी सौंदर्यात्मक कला, सी प्रतीकात्मक कला, डी भावनात्मक कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिम कला के अंतर्गत कौन सी आती है? अलंकरण कला जो है आदिम कला है। अगला प्रश्न है आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए गुफाओं से, बी दुर्गों से, सी महलों से, डी स्तंभों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुफाओं से हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुफाओं से। अगला प्रश्न है दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव जो है वह किसका उत्कृष्ट नमूना है? ऑप्शन ए सिंधुकालीन मूर्तिकला का, बी मौर्यकालीन मूर्तिकला का, सी गुप्तकालीन मूर्तिकला का, डी कुषाणकालीन मूर्तिकला का। तो दाढ़ी वाला ध्यानी मानव जो है वह सिंधुकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिंधुकालीन मूर्तिकला का। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो के गुरु थे, तो माइकल एंजेलो के गुरु कौन थे? तो माइकल एंजेलो के गुरु जो है वह गिरलैंडियो थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरलैंडियो। अगला प्रश्न है तुलिका स्पर्शों के लंबे प्रयोग से चित्रों का निर्माण किस चित्रकार ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुधीर रंजन खस्तगिर ने तुलिका स्पर्शों के लंबे प्रयोग से चित्रों का निर्माण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधीर रंजन खस्तगिर। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है, सही सेंटेंस नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग भी देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी गलती हुई है कहीं ना कहीं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, बी हुमायूं का मकबरा, सी लाल किला, डी मोती मस्जिद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा जो है वह अकबर के समय में बनी सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, पहली और सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, बी वर्धमान में, सी बोधगया में, डी सारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, बी एपिग्राफी, सी एस्थेटिक्स, डी न्यूमिस्मेटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी न्यूमिस्मेटिक
कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? तो जौनपुर की अटाला मस्जिद जो है वह क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, इसे सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनवाया था। बी, इसमें मीनारे नहीं हैं। सी, इसमें तोरण द्वार बनाए गए हैं। डी, पहले यह काली माता का मंदिर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसमें मीनारे नहीं हैं। अगला प्रश्न है, एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर सभी को मालूम होगा कि पेरिस में स्थित है। पेरिस में अभी कौन सा गेम चल रहा है वर्तमान समय में? तो ओलंपिक जो है पेरिस में हो रहा है। 2024 का ओलंपिक गेम जो है वह कहाँ पर हो रहा है? पेरिस में। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो हबीब तनवीर जो है नाटक के क्षेत्र में विख्यात हैं, यानी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं नाटककार के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग यानी कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग कैसे होते हैं? प्राथमिक रंग का मतलब जिसमें कोई भी रंग ना मिला हो। और प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं अगर पूछ ले? तो लाल, पीला, नीला। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्राथमिक रंग हैं, तो अमिश्रित रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। इसका आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं? ऑप्शन ए, रॉक कट मंदिर। बी, गुफा मंदिर। सी, चैत्य मंदिर। डी, संरचनात्मक मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉक कट मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? तो भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा को। बी, अवनींद्रनाथ टैगोर को। सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। डी, अमृता शेरगिल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर को भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑप्शन ए, शिप ऑफ थीसियस। बी, भाग मिल्खा भाग। सी, मेरी कॉम। डी, सोरारई पोटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोरारई पोटक जो नाम फिल्म है, इसे 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरारई पोटक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार कौन है? तो कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार कौन सी है? ऑप्शन ए, अपर्णा कौर। बी, अंजलि इलामेनन। सी, लतिका कट। डी, मीरा मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अंजलि इलामेनन। अंजलि इलामेनन जो है वह कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, उज्जैन। बी, लखनऊ। सी, सूरत। डी, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लखनऊ जो है चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया है? ऑप्शन ए, मंसूर ने। बी, बसावन ने। सी, सांवला ने। डी, मिस्किन ने। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मंसूर ने साइबेरियाई सारस का चित्रण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55, क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्न संख्या 55, राजसी वैभव किस चित्रशैली के चित्रों में दर्शाया गया है? तो राजसी वैभव जो है वह किस चित्रशैली के चित्रों में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए, बौद्ध। बी, पाल। सी, मेवाड़। डी, मुगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मुगल शैली में राजसी वैभव का को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो हेनरी मूर जो है वह कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड के, बी अमेरिका के, सी ऑस्ट्रेलिया के, डी अफ्रीका के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी मूर जो है वह इंग्लैंड के निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? तो बोस्टन संग्रहालय में कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? ऑप्शन ए गीत गोविंद, बी बाल गोपाल स्तुति, सी राग रागनी, डी रागमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाल गोपाल स्तुति जो है वह बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित सचित्र प्रतियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी गढ़वाल, सी बंगाल, डी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भगत राम जो है वह काष्ठ शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध थे गढ़वाल शैली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़वाल। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? तो सुबोध गुप्ता जो है वह किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? ऑप्शन ए पेंटिंग, बी इंस्टॉलेशन, सी फोटोग्राफी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में सुबोध गुप्ता ने ख्याति प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। आज की प्रश्नावली में भी कुल 60 प्रश्न थे, तो यह आखिरी प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को, बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता को, सी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज को, डी सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कृपया आप लोग कमेंट किया करें, जिससे हमें और हौसला मिलेगा। आप सभी के लिए क्लासें और अच्छे लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।